लॉरेंस विश्नोई का इंटरव्यू, फंस गई पुलिस। पंजाब के 7 पुलिस कर्मियों पर अब गिरेगी गाज। जेल में कैद होकर भी क्यों मिल रही लॉरेंस को राहत। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से पुलिस हिरासत में लिए गए इंटरव्यू के मामले में अब कार्रवाई की है। लॉरेंस विश्नोई का ये इंटरव्यू 2 साल पहले जेल के अंदर लिया गया था। इस मामले में पंजाब पुलिस ने 2 उप अध्यक्ष रैंक के अधिकारियों के साथ साथ 7 कर्मियों को भी निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि विशेष पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में राज्य पुलिस के SIT टीम ने इसकी जांच की, जिसमें पाया कि लॉरेंस विश्नोई का एक इंटरव्यू मोहाली में पंजाब पुलिस की हिरासत में होने के दौरान किया गया था, जबकि दूसरा इंटरव्यू राजस्थान में किया गया था। SIT द्वारा 7 पुलिस कर्मियों की ओर से कर्तव्य के प्रति लापरवाही पाए जाने पर उन्हें निलंबित किया गया है। शुक्रवार को जारी पंजाब के गृह सचिव के आदेश के अनुसार SP गुरुशेर सिंह संधू, DSP समर वनीत, सब इंस्पेक्टर रीना, सब इंस्पेक्टर जगतपाल जांगू, सब इंस्पेक्टर शगनजीत सिंह, सहायक सब इंस्पेक्टर मुख्तियार सिंह और हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि एक निजी TV चैनल पर प्रसारित विश्नोई का इंटरव्यू 3 और 4 सितंबर 2022 की मध्य रात्रि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। पिछले साल मार्च में एक निजी न्यूज चैनल ने लॉरेंस विश्नोई के 2 इंटरव्यू चलाए थे। पहला साक्षात्कार अपराध जांच एजेंसी स्टाफ के परिसर में आयोजित किया गया था, जो खरगढ़ SAS नगर मोहाली के आधिकारिक क्षेत्र में आता है। SIT द्वारा की गई जांच के अनुसार दूसरा इंटरव्यू तब आयोजित किया गया जब विश्नोई जयपुर के सेंट्रल जेल में बंद था, जिसने जेल परिसर में कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल से संबंधित एक स्वतः संज्ञान मामले में जुलाई में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी। आपको बता दें कि लॉरेंस विश्नोई पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की 2022 में हत्या के मामले में आरोपियों में से एक है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉरेंस विश्नोई गुजरात में भी जेल के अंदर रहते हुए बड़े बड़े अपराध को करने के बाद उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है, तो ऐसे में ये जेल प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।